मिर्जापुर पुलिस ने डीआईजी सीबीआई बनकर बंगला और गाड़ी की सुविधा मांग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया व्यक्ति अलीगढ़ का निवासी है, जो सेक्शन इंजीनियर पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है। वही अपनी पत्नी, माँ और बेटी के साथ विंध्याचल दर्शन पूजन करने आया था। पेश है ये रिपोर्ट। जनपद पुलिस ने डीआईजी सीबीआई बनकर बंगला और गाड़ी की सुविधा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस गाड़ी को उनकी सेवा के लिए मंगाया गया था, उसी पर बैठाकर उन्हें कटरा थाना ले जाया गया। वो अपने साथ पत्नी, माँ और बेटी के साथ विंध्याचल दर्शन के लिए आने की बात उन्होंने बताया। वह डीआईजी सीबीआई बताकर पुलिस को रौब दिखा रहा था। डाक बंगला और सरकारी गाड़ी के लिए सीओसीटी को उन्होंने फोन किया, उसके लिए वाहन भी मंगा लिया गया। लेकिन बातचीत के दौरान शक होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो वह व्यक्ति फर्जी निकला, जो अलीगढ़ का निवासी बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, राजीव सिंह सनफ उदयवीर सिंह, निवासी शिवपुरी चौराहा अलीगढ़, थाना बनोदी पड़ता है, वहाँ पर इसे ये फोन किए थे। वहाँ के आरआई को भी फोन किए थे, जिससे पता चला है, और हमारे यहाँ भी ऑफिसर्स को फ़ोन किए थे, ये जो है डीआईजी बनकर के सीबीआई के, और इनको पकड़ा गया है। और कुछ हम लोगों को बातचीत से सुबह हो गया था, इनपर शक हो गया था कि लगता है ये डीआईजी है नहीं, बल्कि डीआईजी बनने का कुछ प्रवंचना कर रहे हैं, जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ 420 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया जा रहा है। थाना कटरा जनपद मिर्ज़ापुर का ये प्रकरण है, और ये उसका फ़ायदा लेकर के एक गेस्ट हाउस में रुक गए थे, जिसका नाम बताना उचित नहीं है, और निश्चित तौर से ये सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग करना भी चाह रहे थे। तो इसके तहत इनके खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि ये विंध्याचल दर्शन का इनका मुख्य उद्देश्य अभी तक प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया है, लेकिन अभी भी ये तफ्तीश और जाँच का विषय है। हमारी एलआईयू और तमाम और ब्रांचेज की पूछताछ कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएगा तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।